जीएसटी के विरोध में रेडीमेड हौजरी कपड़ा बाजार को व्यापारियों ने किया बंद। शिवपुरी नगर में रेडीमेड हौजरी के साथ कपड़ा व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने आज दोपहर 1 बजे तक अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। व्यापारियों ने बंद का आह्वान जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने के विरोध में किया और फिर ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में शिवपुरी में बाजार बंद रखे गए। रेडीमेड व्यवसाय संघ के अध्यक्ष प्रदीप गोयल ने बताया कि आज 30 दिसंबर 2021 को रेडीमेड और हौजरी एसोसिएशन कपड़ा व्यवसाय संघ के द्वारा संयुक्त रूप से दोपहर 1 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर कपड़े पर हुई जीएसटी वृद्धि का विरोध प्रकट किया। इसके बाद महामहिम प्रधानमंत्री के नाम भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर कोरोना के फेर में व्यापार मंदा है, ग्राहक ही कम है। ऐसे में जीएसटी बढ़ने से ग्राहक पर बोझ बढ़ेगा, जिससे व्यवसाय प्रभावित होगा, इसलिए ये निर्णय टाला जाए, इस आशय का ज्ञापन दिया। जी, आज हमने कपड़ा और रेडीमेड हौजरी पर जो भारत सरकार द्वारा 5% जीएसटी लगता था उसकी वृद्धि कर उन्होंने 12% कर दी है, उसके विरोध स्वरूप हम सभी कपड़ा व्यापारी एकदम रेडीमेड हौजरी कपड़ा व्यापार संघ के सदस्य सारे व्यापारीगण ने आज अपना सांकेतिक बंद किया है। दोपहर 1 बजे तक हम लोगों ने बंद अपना व्यापार बंद रखकर और अपना विरोध ज्ञापन देकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को एक के ज्ञापन दिया है श्री कलेक्टर साहब के माध्यम से, और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है कि ये वृद्धि को वापस लिया जाए तुरंत से तुरंत, क्योंकि यह वृद्धि जो कपड़े के पर महंगाई तो बढ़ाएगी ही, साथ में कई परेशानियां भी खड़ी करेंगी। ये पूरा आज का जो बंद है पूरे मध्य प्रदेश सूरत लुधियाना दिल्ली में रेडीमेड हौजरी एसोसिएशन एवं कपड़ा व्यवसाय संघ ने ये बंद बुलाया है और सभी जगह दुकानें बंद हैं और सभी जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जीएसटी जो 5% थी उसको बढ़ाकर 12% किया गया है, उसके विरोध में ये बंद है और उसके तारतम्य में ही हम सब लोग सभी जगह पर कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि ये वृद्धि को पूर्ववत दरों पर किया जाए और उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। अब आगे हमारी जो भी सभी व्यापारी देखो, व्यापारी तो क्या होता है, भारत सरकार या कोई भी सरकार होती है उसकी एक तरह से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती है। वो रोज़ सोने का अंडे देती है, टैक्स जमा करती है, जीएसटी भी करती है, सभी करती है। और अगर ऐसी एक अगर इस तरह की नीति अपनाई जाएगी कि मुर्गी को मार के सारे अंडे एक साथ निकाल लो तो सरकार के हाथ ना मुर्गी बचेगी ना अंडा बचेगा। तो हमारा तो ये निवेदन है कि इसको इस पर दोबारा से विचार किया जाए और इसको जो है जीएसटी दर को वापस लेकर के 5% पूर्ववत तक किया जाए। आपका नाम? प्रदीप गोयल हूँ, रेडीमेड हौजरी एसोसिएशन शिवपुरी का अध्यक्ष हूँ।